झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जहां तैयारियां तेज कर दी हैं, वही पंचायत चुनाव शीघ्र होने के संकेत भी दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोग कार्यालय में 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होगा। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाना है। आयोग ने इसे लेकर सोमवार को सभी उपायुक्तों सात जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाना है। इसे लेकर 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। इसी तरह 24 फरवरी को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो तथा सिमडेगा के पदाधिकारियों तथा 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। आयोग ने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण हेतु भेजने को कहा है। केंद्र ने दिया मार्च से मई के बीच चुनाव कराने का सुझाव। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को मार्च से मई के बीच में पंचायत चुनाव कराने की बात कहकर गेंद राज्य के पाले में रख दी है। इधर राज्य के पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण पंचायत चुनाव पर संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन का गठन कर ओबीसी को इंपीरियल डाटा जमा करना होगा, इसके बाद चुनाव कराना संभव हो सकेगा। जी हाँ, इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।